हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताने जा रही हूँ मैं चिली मशरूम, जिसके लिए मैंने लिए है ये आधा किलो मशरूम लिए हैं। इनको 4 पीसेस में मैंने काट लिया है। दो बड़े प्याज लिए हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। दो बड़े शिमला मिर्च लिए हैं, इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में मैंने देखे काट लिया है। और इसके लिए मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। ये मेरा जीरा है, इसको मैंने 1 टेबल स्पून जीरा है 1 टेबल स्पून जीरा है जिसको मैंने कूट लिया है, बस इसको बारीक पीसा नहीं है। और ये 4 हरी मिर्च है, इनको भी बारीक कट कर लिया है। ये साबुत मेरा जीरा है 1 चम्मच, और ये मेरा गरम मसाला है 1 चम्मच, और ये मैंने 4 काजू और 4 बादाम जिसका पेस्ट बना लिया है। अब ये इस मशरूमों को मैं पानी में थोड़ा सा नमक डालकर इनको बॉईल करूंगी। अब मैंने पानी अपना रख दिया है बॉईल करने के लिए, जिसमें मैं मशरूम डालूंगी। उसमें ये थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून मैं नमक ऐड कर देती हूँ, और ये मैंने मशरूम काट के रखे थे वो भी इसमें डाल देती हूँ मैं। अब थोड़ा सा मैं उबालूंगी इसे, थोड़े से उबलने दूंगी इसको, और ढककर इसको थोड़ा सा मैं उबलने दूंगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है। अब इसमें ये मैंने जो आधा चम्मच जीरा लिया था वो मैंने ऐड कर दिया है। मैं फ्लेम जो है मैं स्लो ही रखूंगी। इसके बाद ही मैंने जो प्याज कट करके रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे, और डार्क ब्राउन करेंगे ये नहीं करेंगे कि थोड़ा सा कहीं से लाइट हो रह जाए और कहीं से डार्क हो जाए, तो हम एक सा भूनेंगे उसको, एक सा रेड रेड और खूब डार्क रेड होनी चाहिए। देखिए प्याज मेरी खूब डार्क ब्राउन हो गई है, और मैं इसी में हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा जल ना जाए हमारा, तब हमने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है। इसी में मैंने जो बादाम और काजू लिए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और गरम मसाला है 1/2 टेबल स्पून लिया था वो भी ऐड कर दिया है। और ये भुना हुआ जीरा था 1 टेबल स्पून, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसी में मैंने आपको शायद टमाटर पहले नहीं बताए थे, मगर मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े बड़े, इसको मिक्सी में पीस लिया है। चाहे तो आपके पास ब्यूरी हो तो वो भी ले सकते हैं, टमाटर ब्यूरी इसमें ऐड कर दिया है। और अच्छे से हम इसको भुनने तक इसको भूनेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें लाल चिली पाउडर डाल रही हूँ, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैं हल्दी पाउडर, और हम इसको अच्छे से भूनेंगे। 1/2 टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और अच्छे से अब हम इसको भुनने देंगे, जैसे हम और सब्जियों का या किसी का मसाला भूनते हैं इसी तरीके से हम इसको भुनने देंगे जब तक। देखिए मेरे मसाला बिल्कुल भुन गया है, भुन के बिल्कुल तैयार है। और इसके बाद इसमें जो मैंने ये शिमला मिर्च काट के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, और थोड़ी देर तक स्लो आंच पर इसको हम पकाएंगे। दोस्तों इसमें मैंने जो शिमला मिर्च डाली थी वो मेरी गल गई है, मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ कि शिमला की मिर्च गली है या नहीं। देखिए बिल्कुल गल गई है। अब इसमें हम जो हमने मशरूम उबाल के रखे हुए थे, मैंने देखे वो पहले कितने कितने थे, और अब जो उबाले हैं उबालने के बाद कितने थोड़े से हो गए हैं, ये वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि मशरूम पहले से उबले हुए हैं इसलिए हमें ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम मिक्स करेंगे और उसको डिश आउट करेंगे। 2-3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसको डिश आउट कर देंगे।
देखिए दोस्तों, मेरा चिली मशरूम बिल्कुल पन के बिल्कुल तैयार है, और आप लोग खाइए और टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना है। शुक्रिया दोस्तों।